नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी विदीप में। दोस्तों और मैं आपका दोस्त दीप कालबुटी आपके लाए होकर मज़ेदार एप्लीकेशन दोस्तों, जिसमें आप जानेंगे एक से एक हटके अलग अलग स्टिकर बनाना, वो भी अपने खुद के फोटो के। अलग स्टिकर हो व्हाट्सएप पर अलग अलग तो अलग बात है, बाकी आपके खुद के हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है दोस्तों। और अपने दोस्तों को सेंड करेंगे तो दोस्त भी चौंक जाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं वो अपने खुद के फोटो के स्टिकर दोस्तों, इस जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। दोस्तों कौन सी होगी वो एप्लीकेशन और कैसे करेंगे यूज़ और कैसे छुटके में बन जाएंगे आपके स्टिकर, पूरा बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना देर करते शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों और चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में दोस्तों। तो दोस्तों एप्लीकेशन खोलते हैं, वैसे ही कुछ ऐसा अलाउ के ऑप्शन आएंगे, दो तीन वो अलाउ कर देना दोस्तों। और फिर आपके सामने आ जाएंगे कुछ मज़ेदार स्टिकर्स दोस्तों, जो आप देख के खुद भी इनको भी चाहें तो आप व्हाट्सएप पर आराम से सेव कर सेंड कर सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट कीबोर्ड में शो हो जाएंगे, वहाँ से आप इसको आराम से सेंड कर पाएंगे दोस्तों को और मज़े ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आप खुद के स्टिकर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे दोस्तों, ये दिख रहा है आपको नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। अब ये नीचे आगे देखिए दोस्तों, प्लस का नीचे आइकन आ गया और ऊपर भी प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है प्लस के आइकन पे। अब प्लस के आइकन का क्लिक करने वाले को जैसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट एक बार और प्लस कर देना ऐड स्टिकर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आपकी गैलरी में। अब गैलरी में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है, मैंने मेरा फोटो सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। उसके बाद ऊपर ये आपको नीचे तीन ऑप्शन देगा, ओटीओ, म्यूचुअल और क्रॉप। आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी कट करवा सकते हैं और चाहें तो खुद के हाथ से भी कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ऑप्शन करता हूँ ओटीओ कट पर। अब ऑडियो कट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हुआ क्या, वो अपने हिसाब से फोटो को पूरा काट देगा दोस्तों और बिल्कुल एकदम क्लियर फोटो कट जाएगा। और आप चाहें तो आपके हाथ से भी काट सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑडियो कट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, उससे आपका फोटो एकदम परफेक्ट कट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कट चुका है अपना फोटो बिल्कुल क्लियर। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट, आप चाहें तो और आपको लग रहा है कि फोटो ठीक से नहीं कटा है तो आप उससे भी और क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आपको जो चाहे वो अपने स्टिकर पर लिख लीजिए। जैसे लिखता हूँ और कैसे हो, जैसे मैंने इस पर लिख दिया है। अब ऊपर डन कर देना है। अब डन करने के बाद दोस्तों आप मैं जहाँ चाहें उस फोटो को लिखा को सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों और इसको सेव को ये क्लिक कर दिया दोस्तों। अब हो गया दोस्तों, अब ऊपर ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। अभी आप चाहें तो कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट आपको दोस्तों क्लिक करना है सेव पर। अभी मैंने सेव पर क्लिक कर दिया दोस्तों, दोस्तों सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी डायरेक्ट वापस वहीं आ जाएगा जहाँ अपन थे। तो दोस्तों ये देखिए अपना 14 स्टिकर जो बनाया था वो आ गया है, ये लिखा हुआ और कैसे हो दोस्तों। तो ये बहुत शानदार हो गया दोस्तों। और नीचे लिखा रहा ऐड व्हाट्सअप, तो आपको इनको ऐड व्हाट्सअप कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं सबको ऐड व्हाट्सअप कर देता हूँ, ये मैंने अभी तीन चार मिनट पहले ही बनाया था और एक आपको बना के दिखाया, बड़े आसानी से बन जाता है दोस्तों। ऐड व्हाट्सअप करने का दोस्तों आपको डायरेक्ट बैक आ जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये व्हाट्सअप पर कैसे आपको शो होंगे दोस्तों। मैं डायरेक्ट बाहर आता हूँ दोस्तों। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप, तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के आने के बाद आपको दोस्तों व्हाट्सएप पे अपने कीबोर्ड को चेक करना है दोस्तों। ये देखिए कीबोर्ड में दोस्तों आपको स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये नीचे स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक किया दोस्तों और वैसे ये देखिए आ चुके हैं, ये सभी स्टिकर आ चुके हैं जो मैंने पहले करे थे और अभी बनाए। देखिए दोस्तों ये और कैसे हो, तो ये स्टिकर आ चुका है कीबोर्ड में भी आराम से आसानी से। ये देखिए दोस्तों अलग अलग स्टिकर वहीं अपन ने जो बनाए वो स्टिकर भी आ चुके हैं। तो बड़ी आसानी से आप अपने फोटो के स्टिकर बना सकते हैं और दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो दोस्तों आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सीख गए होंगे स्टिकर कैसे बनाना दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको स्टेकली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और आपको वहाँ नहीं मिलते तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।